हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ में हम रबड़ी भी बनाएंगे, जिसको बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर पर बना सकते हैं। और खाने में ये मार्केट में मिलने वाली कुल्फी से भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हमने स्मॉल होल ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये तकरीबन 2 ब्रेड हैं, जिसको मैंने किनारे निकाल कर मिक्सी में चला लिया है। इससे ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाएगा। साथ ही साथ इसमें ब्रेड की स्मेल भी निकल जाएगी, जिससे कि कुल्फी में जब हम इसे यूज करेंगे तो उसमें वो ब्रेड की स्मेल नहीं आएगी। ब्रेड क्रम्स को हमने ड्राई रोस्ट किया है, किसी भी तरह के ऑयल का यूज नहीं किया है। मैंने ब्रेड क्रम्स आटा ब्रेड से बनाए हैं, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हो। इनको रोस्ट करने के लिए हमने लो मीडियम हीट रखी है। ज्यादा तेज हीट पर इनको रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे। ब्रेड क्रम्स रोस्ट हो चुके हैं, हमें इनको इतना ही रोस्ट करना है जिससे कि इनका कलर चेंज ना हो। अब हम गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुल्फी बनाने के लिए ये हमने 400 ml दूध लिया है, जिसकी मलाई निकाल दी है। आप टोन दूध का यूज भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालकर इसको घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर को घोलने के लिए कभी भी गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अभी इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और बचे हुए दूध को हम कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख देते हैं और बॉईल आने का इंतजार करते हैं। बीच बीच में इसको हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये तली में लग सकता है। दूध में बॉईल आ चुका है, गैस की हीट को हम स्लो कर देते हैं। 4 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसको हमने कप में डाल लिया है, जिससे इसको मिक्स करने में आसानी रहेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म दूध डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिल्क पाउडर को, जिसे हमने दूध में घोल लिया है, इसको धीरे धीरे करते हुए दूसरे हाथ से दूध को चलाते हुए मिक्स कर देंगे और इसको बराबर चलाते हुए थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे। गैस की हीट को हमने लो मीडियम कर दिया है। गैस की हीट को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से दूध थोड़ा थिक हो गया है तो ये तली में जल्दी लग सकता है। दूध में बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हो। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा था, उसको एक बार चला लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। अब हम एक हाथ से दूध को चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से कॉर्नफ्लोर को दूध में मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही दूध बहुत जल्दी थिक होना शुरू कर देता है, इसलिए इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। आप देख सकते हो दूध कितनी जल्दी थिक होना शुरू हो चुका है। ये मुझे ज्यादा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दूध और मिक्स कर देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, जिसको हमने पहले रोस्ट कर लिया था। ब्रेड क्रम्स डालने से कुल्फी का टेक्सचर थोड़ा दानेदार हो जाता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुल्फी में मिठास लाने के लिए हम शुगर का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रहे हैं। ये हमने 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है, इसको भी हम दूध में मिक्स कर देंगे और दूध को बराबर चलाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका टेक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। ये मैंने काजू, पिस्ते और बादाम लिए हैं, जिनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस स्पैचुला से इनको मिक्स कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। कुल्फी का मिक्सचर तैयार हो चुका है, गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब हम इसमें 2 से 3 इलायची का पाउडर डाल देते हैं और कुल्फी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें मलाई पड़ जाएगी और हमारी कुल्फी खराब हो जाएगी। कुल्फी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, अब हम इसको मोल्ड्स में भर देते हैं। मोल्ड्स में मटेरियल को पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसे खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जमने के बाद कुल्फी ऊपर तक आ जाएगी। ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देते हैं। अभी थोड़ा सा मटेरियल मेरे पास बच गया है, इसको भी मैं दूसरे मोल्ड्स में भरकर फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ।
अब हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 300 ml दूध डाल दिया है। दूध में उबाल आने देते हैं। बीच बीच में हम इसको चलाते जाएंगे, नहीं तो ये तली में लग सकता है। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, ये साइड से बबल्स आप देख सकते हो। गैस की हीट को स्लो कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा गर्म दूध एक बोल में निकाल लेंगे और इस दूध में हम 2 tablespoon मिल्क पाउडर घोल लेंगे। दूध को एक बार फिर से चला देते हैं और दूध को चलाते हुए धीरे धीरे मिल्क पाउडर को इसमें ऐड कर देते हैं। इसको डालने से दूध थोड़ा थिक हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे। अब 1 tablespoon इसमें हम ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्स जो हमने पहले रोस्ट किए थे, उन्हीं ब्रेड क्रम्स को हम इसमें भी यूज कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से रबड़ी का टेक्सचर काफी चेंज हो जाता है, थोड़ा थिक और दानेदार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही बॉइल होने देते हैं। अब हम इसमें 1/4 cup कंडेंस्ड मिल्क डाल देते हैं। शुगर की जगह हमने कंडेंस्ड मिल्क का यूज किया है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और रबड़ी में थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है। इसको डालने के बाद हमें दूध को ज्यादा देर काढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रबड़ी बनाने के लिए दूध बहुत देर तक उबालना पड़ता है। अब इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक ये दूध में मिक्स नहीं हो जाता, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे या फिर ये तली में लग सकता है। कंडेंस्ड मिल्क दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें बॉईल भी आ चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स हमने कुल्फी के लिए यूज किए थे, उसी में से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम रबड़ी में भी डाल देते हैं। रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी थिक हो जाएगी। अगर आप इसे और थिक करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे जिससे इस पर मलाई न पड़े। रबड़ी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, आप देख सकते हो पहले से थोड़ा थिक भी हो गई है। अब हम इसे 1 cup में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुल्फी को फ्रीजर में रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, इसलिए हमने उसे बाहर निकाल लिया है। रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है, उसे हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी जमकर तैयार हुई है। अब हम कुल्फी को सर्व करने से पहले एक बार रबड़ी में डिप कर लेंगे, इसीलिए रबड़ी को हमने गहरे बर्तन में रखा था। ये देखिए रबड़ी में डिप करने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रबड़ी बनाना नहीं चाहते हैं तो इसको बिना रबड़ी के भी खा सकते हैं। रबड़ी के बिना भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो करते रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।